प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरडी पहुंचे हुए हैं। ये साईं बाबा के दर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये बड़ी तस्वीरें हैं। आज उनका शिरडी पहुंचने का कार्यक्रम था और उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी तस्वीरें सामने आ रही। कई सारी सौगातें भी देनी है और उन सौगातों का उद्घाटन भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। लेकिन सबसे पहले आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी साईं बाबा के दर पर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहां पर आप देखें कि कैसे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करवाई जा रही है। यहाँ बड़ी संख्या में हर वक्त श्रद्धालु जो है वो पहुंचते हैं। यहाँ साईं बाबा को लेकर आस्था, विश्वास, भरोसा उन पर काफी ज्यादा उनके भक्त करते हैं। और इस वक्त जो बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए। बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम सिर्फ धार्मिक तौर पर दर्शन करने का ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई सारी सौगातें भी दी जानी है। काफी संख्या बढ़ जाती है, ऐसे में एक अत्याधुनिक सड़कों पर जो लंबी लंबी परिसर जो है वो यहाँ पर भेंट किया जाएगा। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, लोग यहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं, वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। ये इसकी लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी सौगात इस नई इमारत के रूप में मिलेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री यहीं पर जो शिरडी गांव के जो बच्चे हैं, आसपास के बच्चे हैं, उनके लिए एक शिक्षण संस्थान भी यहां लगातार चल रहा है। उसके लिए भी एक नए कॉम्प्लेक्स, एक नई इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का लगातार फोकस रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा मिले, धार्मिक पर्यटन को अगर बढ़ावा मिलता है तो हम जानते हैं कि उस इलाके के अंदर डेवलपमेंट के कार्य होते हैं, विकास के कार्य होते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री जब भी किसी सरकारी परियोजनाओं को उस इलाके के लेकर जाते हैं तो हमने इस बात को देखा है कि जो वहां के जो धार्मिक जो मंदिर हैं उनका वो एक तरीके से पुनर्निर्माण लगातार कराते रहे हैं और शिरडी साईं बाबा मंदिर का भी यहां पर नए कॉम्प्लेक्स बने हैं। तो निश्चित तौर पर जब श्रद्धालुओं की संख्या किसी इलाके के बढ़ती है तो उस इलाके का विकास होता है, पर्यटन बढ़ता है तो उस इलाके के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलती है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ही लक्ष्य रहा है, चाहे वो देश के कोने कोने का कोई भी हिस्सा हो। तो आज हम कह सकते हैं शिरडी और शिरडी जिले के आसपास के जितने भी इलाके हैं उनको कई सौगातें मिलेंगी जो ग्रामीण। और ये शिरडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरडी के साईं मंदिर पहुंचे हुए हैं और ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर विशेष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना वो करते हुए एक डैम है उसका आज नए दर्शन करतार परिसर का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी को करना है। स्वास्थ्य, रेल, सड़क, इन तमाम क्षेत्रों में बड़ी सौगातें पीएम की ओर से दी जाएंगी। कुल मिलाकर 7,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। साईं बाबा समाधि मंदिर में ये दर्शन का जो कार्यक्रम था उसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और नए दर्शन करतार परिसर में किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य, रेल, सड़क, ये तमाम सौगातें जो हैं वो प्रधानमंत्री की ओर से दी जानी है। पीएम का ये दौरा बहुत अहम, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिरडी के साईं मंदिर से ये तस्वीरें, विश्व विख्यात है शिरडी का ये साईं मंदिर और यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देखें कि विशेष पूजा अनुष्ठान वो कैसे कर रहे हैं। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, कितना खास ये दौरा, क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरे की शुरुआत धार्मिक अंदाज में की। उन्होंने बाकायदा पूजा अर्चना की विशेष अनुष्ठान के साथ, और क्या जानकारी इस दौरे को लेकर? देखिए, ये जो दौरा है ये बहुत ही अहम है, बहुत खास है, खासतौर से साईं भक्तों के लिए। जो लाखों करोड़ों साईं भक्त है उन्हें एक बहुत बड़ी सौगात जो है आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। खासतौर से यहाँ पर जो दर्शन को लेकर एक नई जो कतार भवन जो बनाया गया है उस भवन का जो उद्घाटन किया गया है। आज से 5 साल पहले जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरडी आए थे तब उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी और अब वो वादा उन्होंने पूरा किया। एक भव्य दर्शन भवन जो है वो आज भक्तों को मिल रहा है, जो एयर कंडीशन होगा, जिसमें वेटिंग हॉल है, इसमें कई सारी अलग अलग सुविधाएं जो है यहाँ पे दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद में अब 2 बजे जो है वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और वहाँ पे तकरीबन 60,200 करोड़ की अलग अलग जो योजनाएं हैं उसका वो उद्घाटन करेंगे। वो उद्घाटन करने के साथ ही साथ एक जो नहर योजना है वो नहर योजना भी जनता को समर्पित करने वाले। तो एक आज लंबा चौड़ा काफी व्यस्त दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र में और इसके बाद में शाम को गोवा जाएंगे। लेकिन गोवा जाने से ठीक पहले तकरीबन 86 लाख जो किसान है उन्हें फायदा पहुंचाने वाली एक योजना का भी जो शुभारंभ इनके हाथों होना है। तो ऐसे कई सारी जो लंबी लाइनअप है जिसको आज वो देश की जनता को समर्पित करने वाले हैं, कई सारी योजनाएं जो इसकी आधारशिला रखने वाले हैं। खासतौर से अभी जहां पर ये शिरडी के मंदिर में जहां पूजा कर रहे हैं ये अपने आप में साईं भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो है वो शिरडी साईं बाबा के दरबार में उनके चरणों में प्रार्थना पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे।
राकेश दारा ये भी समझाइए, पीएम नरेंद्र मोदी ने जो उद्घाटन किए हैं वो साईं भक्तों को कैसे प्रभावित करेंगे, कैसे उन्हें फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में साईं भक्त जो है वो यहां पर पहुंचते हैं। राकेश, संस्थान ने जो सबसे नए अत्याधुनिक जो दर्शन कतार का जो परिसर बनाया है उसका आज ये उद्घाटन होने किया है। इसमें जो विभिन्न सुविधाएं हैं जैसे कि इसमें वेटिंग हॉल, क्लॉक रूम, शौचालय, बुकिंग काउंटर, प्रसाद काउंटर, सूचना केंद्र और वातानुकूलित कमरे भी वहां पर है, एयर कंडीशन कमरे है जिसमें 10,000 से ज्यादा जो भक्त हैं वो इसमें बैठ सकते हैं। इससे पहले जब आप शिरडी में जाते थे तो आपको लंबी कतार में जब खड़ा रहना पड़ता था तो लोग खड़े खड़े परेशान हो जाते थे, ना उन्हें वॉशरूम जाने की सुविधा होती थी, उन्हें गर्मी लगती थी तो पसीने आते थे, कई सारे लोग बेहोश हो जाते थे। तो ये तमाम जो समस्याएं थी उससे सुलझाने के लिए एक अत्याधुनिक परिसर की जो है वो योजना बनाई गई थी और आज उसी का उद्घाटन किया गया। यानी इसके बाद जब आप शिरडी में साईं के दरबार में जब आप जाएंगे तो आपको दर्शन के लिए एक अलग ही एक नया अनुभव प्राप्त होगा, एक सुखद आपकी ये यात्रा होगी, सुखद आपको दर्शन होंगे और उसी मकसद से जो है आज ये उद्घाटन किया गया। इसीलिए इस दौरे को बहुत ही अहम माना जा रहा है और साईं भक्तों के लिए एक तोहफा माना जा रहा है। राकेश, साईं बाबा के दर पर पूजा अनुष्ठान के भी एक विशेष महत्व है और उसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम विधि विधान के साथ पूजा अर्चना को खत्म किया। नजर बनाए रखिए इस दौरे पर, आपसे तमाम अपडेट्स आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।